जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। फंडामेंटल इस क्लास में आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में तो सबसे पहले आप ही क्वेश्चन करेंगे कि सर आपको किस बेस पे जानना है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज या ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी या ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, किस भी आप पे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। आपको क्या क्लास की साफ भी करेगा। आप लोगों में कोई पंकज कुमार भी है क्या? दिख लाइव क्लास दे रहा है क्या? दिख रहा है वहां से? देखो रहा फोन में आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, क्लास लाइव दिख रही है कि नहीं। आपको नहीं दिख रही है? आपको दिख नहीं करा दी? आपको ठंडा लग रहा है क्या? चालू करते हैं तो फैन पे नंबर एक हुई है, बटन पे भी नंबर दिखता है, इधर फैन क्या दो। अरे वो नहीं मिलता नाम भी मेरे नहीं पता। हाँ लिखते रहिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ हटाऊंगा नहीं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए तीन चीजों पे बेस्ड है, आधारित है। पहला तो पर्पज के बेस पे, दूसरा टेक्नोलॉजी के, और तीसरा साइज एंड कैपेसिटी के बेस पे।
यानी अगर आपसे कोई पूछता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो पहला क्वेश्चन तो आप करोगे कि आपको किस किस बेस पे जाना है, पर्पज के बेस पे जाना है, टेक्नोलॉजी के बेस पे जाना है, या साइज एंड कैपेसिटी के बेस पे जाना है। तो सबसे पहले पर्पज के बेस की बात करेंगे, और पर्पज के बेस पे दो कंप्यूटर होते हैं, जनरल और स्पेशल। जनरल का मतलब जानते ही आप, तो सामान ही होता है, और स्पेशल का मतलब कोई खास होता है, स्पेशल। हाँ, जैसे खाने में होता है, लोगों में होता है, सब चीज होता है, वही मतलब यहाँ भी स्पेशल से, जिसका कोई एक टास्क हो कि यही टास्क करना है, ठीक है, वो चीज क्या होती है, स्पेशल होती है। और जनरल का मतलब जिसपे नॉर्मल काम, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या है, जनरल। ऐसा मतलब जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, क्या मौसम विभाग वाले या यातायात वाले क्या यही कंप्यूटर यूज करते होंगे? नहीं करते, तो कुछ स्पेशल करते हैं, उनका काम ही, जैसे अल्ट्रासाउंड के लिए जो लगा हुआ है कंप्यूटर, वो भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर ही है। उसका काम क्या है, एक बेसिक काम दिया गया कि आपको ये काम करना है, तो काम कर रहा है। समझ में आ गई बात ना? तो यही सारी बातें हैं जनरल और स्पेशल को लेकर। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, सब लोग सामने देखते रहिए। तो स्पेशल कह रहे, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए, क्या कहा जाता है, किसी विशेष कार्य के, और इनकी सीपीयू की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी जो होती है, उस कार्य के अनुरूप बनाई जाती है। जैसे बीच में अभी आया था कोविड का टाइम था, तो एक वैक्सीन बनाया गया, सबको लग रहा था कोविशील्ड और बहुत सारी चीजें थी। तो क्या था, वो वैक्सीन का मतलब क्या था, उसको उस अनुरूप बनाया गया था कि आपके अंदर अगर उसके लक्षण होंगे या फिर चीजें होंगी या नहीं भी होंगी, तो आपके अंदर क्या किया जाएगा, इम्यूनिटी पावर डेवलप किया जाएगा, ताकि आपके अंदर क्या हो जाए, जैसे कि किसी भी इंसान के अंदर दो टाइप के ब्लड होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स विद जो ब्लड होता है वो क्या करता है, बीमारियों से लड़ता है, इसीलिए कहा जाता है प्लेटलेट किसी का डाउन हो जाता है, तो फिर उस इंसान की अगर प्रॉपर मेडिसिन ना मिले, प्रॉपर वो डॉक्टर का कंसल्टेशन ना मिले, तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ठीक वैसे ही इसमें भी है प्रोसीडर, कि जो भी सीपीयू उनके होते हैं स्पेशल कंप्यूटर के, उसमें वही फैसिलिटी जारी जाती है कि उस कार्य के अनुरूप वो काम करे, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, ठीक है। कह रहा है कि जैसे कि कुछ एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, अंतरिक्ष विज्ञान वाले जो यूज करते हैं उनका कंप्यूटर स्पेशल होता है, मौसम विज्ञान वाले स्पेशल कंप्यूटर है, उपग्रह संचालन करना है, वही अनुसंधान या शोध करना है कोई चीजें, उसके लिए भी क्या है, जो लेबोरेटरी में नहीं यूज कंप्यूटर होते हैं उनका भी काम अलग है, यातायात नियंत्रण हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, चिकित्सा में हो गया, ये सारे क्या है स्पेशल। जनरल क्या है, जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, जैसे इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत क्या होती है। अब एक बात बताओ, जो चीज ब्रांड लो और नॉर्मल लो तो अंतर तो आएगा अमाउंट में, स्पेशल जनरल में भी अंतर होना चाहिए, तो ही यहाँ कहा है कि कीमत में क्या होते, कम होते, किसकी अपेक्षा, स्पेशल की अपेक्षा। कह रहा है इन कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य वर्ग हेतु किया जाता है, जैसे पत्र आदि छापना हो, दस्तावेज हो गया, ये सारी चीजें करने के लिए क्या करता है, जनरल कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो स्पेशल और जनरल समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा फिर से बताइए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किस किस बेस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। बात क्लियर है? तो हमने पर्पज के बिहाफ पे पढ़ लिया, कितने कंप्यूटर पर्पज के बिहाफ पे, तो कौन कौन से, स्पेशल और जनरल, स्पेशल जो किसी खास काम के लिए और जनरल जो सामान्य काम के लिए। समझ में आ गई बात? चलिए अगला है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के आधार पर कंप्यूटर, तकनीक के आधार पर कितने कंप्यूटर, तीन, कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब देखिएगा एनालॉग क्या होते हैं, बहुत एक लाइन में मैं समझाऊंगा, जो भी भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जो भी गणना करते हैं भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं, जैसे किसी चीज को टेम्परेचर नाप देना, डेंसिटी नाप देना, उनका हाइट नाप देना, ये सब चीजें, टेम्परेचर, सारी ये सारी चीजें नापना, ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल मैटर है, कि किसी चीज को मेजर किया जा रहा है। आप जैसे किसी को मान लो फीवर ही है, आपने टेम्परेचर मेजर कर दिया सेल्सियस में, जो भी आया तो बताया जाता है ना, तो वही बात है यहाँ पे, यानी कि जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एनालॉग बोलते हैं। जैसे समझिए, कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट, इनको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, एनालॉग का डिफिनेशन लिख लीजिएगा, कि जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, लिख लीजिए, लिख लीजिएगा। हाँ, द कंप्यूटर
दैट कंप्यूटर मेजर, हाँ दैट कंप्यूटर हाँ मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर, या हिंदी में कह सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। क्या करते हैं? भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। बस एक ही लाइन में है, ज्यादा लंबा नहीं जाना है। वो कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं उसे एनालॉग कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा प्रेशर टेम्परेचर लेंथ हाइट। प्रेशर टेम्परेचर हो गया, तो याद रखिएगा ये सारी चीज, ठीक है। अगला देखिए डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा डिजिटल किससे बना हुआ है बताइए आप लोग, डिजिट से। और डिजिट का मतलब होता क्या है? अंक होता है, यानी जो अंकों की गणना करे उसे क्या बोलेंगे? देख लीजिएगा जो अंकों की गणना करे उसे क्या बोलेंगे? डिजिटल बोलेंगे। हो गया, अब समझिएगा थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। डिजिट का अर्थ अंक है, अंक, ठीक है। अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा को, प्रोग्राम को किसमें चेंज कर देते हैं? 0 से 1 में परिवर्तित करते हैं। क्यों क्यों 0 से 1 में करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी है, और जो बाइनरी डिजिट होते हैं वो कौन होते हैं? ठीक है, समझ आगे। क्यों 0 से 1 में कन्वर्ट किया जाता है? क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी होती है, और बाइनरी डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिनका प्रयोग व्यापार की में, घर का बजट तैयार करने में, पत्र आदि लिखने में, चित्र बनाने में, संगीत सुनने में, हर जगह इनका यूज है, ठीक है। और कह रहा है कि ये 100% शुद्धता की गणना करते हैं। एक्यूरेसी जो रेट होती है उनकी हाई होती है ना कंप्यूटर की, यही बात यहाँ का है। और कंप्यूटर का फॉर्मेट कैसा होता है? डिजिटल, यही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। आदि होता है डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर आधारित होता है। डिजिटल कंप्यूटर, इसीलिए इंडिया क्या बन रहा है हमारा? डिजिटल इंडिया। कंप्यूटर का फॉर्मेट कैसा होता है? डिजिटल, क्या देखिएगा। और 0 से 1 में क्यों परिवर्तित करता है? क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है बाइनरी होते हैं, और यही दोनों क्या है? बाइनरी डिजिटल, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चले। और जो तीसरा है हाइब्रिड नाम है, नाम से ही पता चल रहा होगा, और आपने अगर सुना होगा तो बायो टर्म में भी जिनके अंदर ज्यादा गुण होते हैं, एक से ज्यादा गुण होते हैं, उन्हें बात क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। यानी कि वो कंप्यूटर जिनके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। सामने देखिए, सामने लिखा हुआ है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ होता है अनेक गुण धर्मों वाला। अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। जैसे कि समझिए, आप आपने पेट्रोल टंकी पे गए हैं, पेट्रोल टंकी पे जहाँ पेट्रोल लेते हैं या डीजल वगैरह, तो आप बोलते हैं भैया 100 रुपये का तेल दीजिएगा, तो क्या करता है अपने जो मशीन लगी हुई है उसमें अमाउंट डालता है 100 रुपया, डालता है कि नहीं डालता है? तो कभी ऐसा भी होता है क्या कि 100 रुपया डाले तो 200 का तेल ले लेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मीटर 100 पे ही आके रुक जाएगा। आपका ये डिजिटल काम किया, डिजिटल काम हुआ, और 100 रुपये में कितना तेल आया? 1.33 लीटर ये भी तो बताता है कितना यूनिट आया तेल आपका। ये क्या हो रहा है? एनालॉग का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? और एक ही मशीन में दोनों काम हो रहा है तो उसे क्या बोल सकते हैं? हाइब्रिड बोल सकते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? आप बोलते भैया 100 रुपये का तेल लीजिए, वो अमाउंट 100 रुपया डालता है, उसमें कितना तेल आया? एनालॉग का काम।
100 का ही देना है, डिजिटल का काम, और दोनों काम एक ही कर रहा है तो क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। बात क्लियर है? तो लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन आप लोग। हो गया, हो गया। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक के आधार पे आपने देख लिया ये तीन कंप्यूटर हो गए, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। एक बार आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे आप लोग। एनालॉग किसे कहते हैं? जो भौतिक मात्राओं की गणना करें, यानी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर करते हैं, जो मेजरमेंट करते हैं इसका फिजिकल क्वांटिटी का। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? जो अंकों की गणना करते हैं। और हाइब्रिड क्या होते हैं? जो दोनों का काम करें। किसका, कौन दोनों? ये बात लिखेंगे आप लोग अभी भी, एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम। दोनों का काम ऐसे मत लिख दीजिएगा, कुछ और ही समझ लेंगे लोग। ठीक है, अब चलिए आगे चले हम लोग। और अगला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है, बस याद करने वाला है। क्यों बात करेगी साइज एंड कैपेसिटी, यानी कि क्षमता और आकार की बात की गई है। यानी यहाँ पे ऑर्डर यूज किया गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बताइए? नहीं, हाँ, सबसे पहले किसकी बात होती है? बड़े वाले। तो जो यहाँ अभी जो हेडिंग बनाई गई है कि ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस कैपेसिटी, यही बात की गई, सबसे बड़ा वाला पहले होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे। ये सीरीज चलेगा, तो बस सीरीज याद किए रहिएगा। सबसे ऊपर है इसी लिस्ट, ऊपर है, यानी सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है वो होता है इसके ऊपर। ऊपर है तो सुपर है। देखिए, तो अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, और सबसे बड़ा होता है सुपर। सबसे ऊपर है तो सुपर है। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। एक कंप्यूटर स्पीड में सबसे तेज और कीमत में सबसे महंगे होते हैं। इनका आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता है। हाँ, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी सीपीयू, जैसे कि नॉर्मल सीपीयू होते हैं, उसमें एक ही पोर्ट होते हैं, एक साथ एक ही कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर का इतना बड़ा होता है। और क्या करते हैं इसमें, बहुत सारे यूजर एक ही साथ होता है। जैसे नहीं आता है आजकल चार्जर आता है तो उसमें दो सॉकेट बने होते हैं, और एक टाइम में दो मोबाइल चार्ज लगा लेते हो ना, तो वैसे उसमें इतने सॉकेट होते हैं कि कई कंप्यूटर एक साथ चलाए जा सकते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, एक कमरे के बराबर होते हैं। कह रहा है कि इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी ज्यादा होती है। जैसे कि अगर हम तुलना करें छोटे बच्चे से और बड़े में, तो जाहिर सी बात है ज्यादा मेमोरी किसकी होगी, बच्चे की, बड़े वाले की। तो भाई जब बड़ा है आकार में, तो उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा ही होगी। कह रहे हैं इसमें कई सीपीयू एक साथ, वही बात जो मैं अभी जस्ट कहा हूँ कि कई सीपीयू क्या कहते हैं, एक साथ उसमें लगाए रहते हैं। और एक सुपर कंप्यूटर में लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर, जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है माइक्रो ही होता है, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, ये चार होते हैं। लिखे ना आप लोग, तो सबसे पहले पढ़ रहे थे सुपर। तो कह रहा है कि इसमें जो 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है, इसकी गति जो होती है वो मेगा फ्लॉप में मेजर किया जाता है। जैसे हर चीज को कुछ ना कुछ मेजरमेंट करते हैं, इस उस दिन में मैंने बताया मास को किलोग्राम में करते हैं ना, या मिल्क वगैरह हो गया, लिक्विड प्रोडक्ट हो गया, उसको लीटर में। वैसे ही सुपर कंप्यूटर अपनी स्पीड को किसमें मेजर करता है, मेगा। तो ये लिख दीजिएगा कि सुपर कंप्यूटर का जो यूनिट होता है, मेजरमेंट यूनिट जो होता है, होता है मेगा फ्लॉप। लिख लीजिएगा इस बात को।
हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ कुछ दिया हुआ है कि जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, साइबर क्रे। क्या नाम था उसका, साइबर क्रे, कब, इन 1979। और जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम परम था, कब आया था, 1995। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। साइबर क्रे उसका नाम था। और नहीं हाँ, अभी देखना पड़ेगा कहाँ का था, लेकिन वर्ल्ड में माना जाता है सबसे पहले यही था। और जिसके फादर थे सुपर कंप्यूटर का, उनका नाम था सेमर क्रे, लिख लीजिएगा, सेमर, SEY, पूरा नाम एक ही में रहेगा, MOUR, सेमर क्रे, CRA। पहले लोग अपने नाम पे ही कोई चीज इन्वेंट करते थे, इनका नाम है SEY MOUR, सेमर क्रे। कौन है ये सेमर क्रे, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो याद रखिएगा, जो वर्ड में था वो साइबर क्रे था, और जो भारत का था वो पहला, उसका नाम परम था। क्या था नाम, परम। तो फादर ऑफ इनका नाम सुपर कंप्यूटर का, सेमर क्रे, SEY MOUR, सेमर क्रे, CRA। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर समझ में आ गया आप लोगों को। इनको, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं याद करना, कुछ इतना याद रखना है कि सीरीज में इनको याद रखना है। सबसे पहले क्या होगा, सुपर होगा, उसके बाद क्या होगा, बनाए होंगे डायग्राम है, मेन फ्रेम। क्या है अगला, मेन फ्रेम। देखिए ये क्या होता है, तो ये सुपर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, बस इतना याद रखना है इतना, कि मिनी और माइक्रो से बड़े होते हैं लेकिन सुपर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। चलिए क्या करा है, एक कंप्यूटर आकार में सुपर कंप्यूटर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करा है। करा ये लगातार काम करने में सक्षम है, इन पर अनेक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि इस पर अनेक टर्मिनल यानी मॉनिटर कीबोर्ड का बहुत सारे होते हैं। नहीं होता है कि आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि बहुत बड़ा चीजें होती है, उसमें कई सॉकेट होती है चीजों को, और आदमी कहीं भी जोड़ के अपना काम कर लेता है। तो वही बात यहाँ का है कि बड़ा सा होता है उसमें क्या होते हैं, कई लोग, अनेक टर्मिनल। टर्मिनल वर्ड इसलिए यूज किया गया है जहाँ मॉनिटर कीबोर्ड और माउस की आवश्यकता हो, आप यूज करें और काम कर ले, तो इसके लिए होता है। सबसे बड़ा सुपर, उससे छोटा मेन फ्रेम, और जो तीसरा है आपका वो है मिनी। मिनी क्या है, इनका आकार एक छोटी अलमारी के बराबर होता है, यह माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शीघ्रता से कार्य कर सकते हैं। जो इनका डाटा ट्रांसफर रेट जो होता है वो क्या होता है, 40 लाख BPS होता है, ठीक है, बिट्स पर सेकेंड। प्रारंभ में मिनी कंप्यूटर कुछ स्पेसिफाइड टास्क के लिए डिजाइन किए गए थे, मतलब जिनका एक स्पेशल टास्क दिया जाए वो काम करेंगे ये लोग। लेकिन क्या हुआ बाद में, फिर से क्या कह रहा है कि जैसे कि CAD के लिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आपने नाम सुना होगा कैड, कैड का नाम सुना है आपने, कैड होता है कंप्यूटर का एक टॉपिक है कैड, वो होता है जो आर्किटेक्ट वगैरह लोग होते हैं, नहीं होते हैं जो घर का नक्शा वो आपको देते हैं नक्शा वक्शा बना के, तो वही सारी चीजें होती हैं, कैड का यूज किया जाता है। वो चैलेंज रख लीजिए आप लोग क्लास में है। चलिए तो एटलीस्ट आप लोग CAD का फुल फॉर्म लिख लीजिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD का फुल फॉर्म लिख लीजिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। हो गया, अब कह रहा है कि वास्तव में सही में अगर देखा जाए तो पर्सनल कंप्यूटर जो आजकल लोग पीसी यूज कर रहे हैं, पीसी जो भी लोग यूज कर रहे हैं, वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि मिनी कंप्यूटर की आवश्यकता ही कम होगी।
जैसे कि मैंने एक दिन आपसे कहा था ये बात कि जनरेशन बदलने का मतलब क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, अपडेट होती हैं और बेहतर होती हैं। क्यों? जैसे कि एक टाइम था जब पहले के लोग था, पहले के लोग उनकी पिक्स लीजिए, कभी फोटो लीजिए देखिए, अक्सर पुराने पापा पापा के टाइप की फोटो देखिएगा, उनका कोई यही होता है फोटो खिंचवा लेगा। ये था ना, पता नहीं कैसे कैसे अजीब थोड़ा मॉडर्न हो गए तुम ना, अब सेल्फी ले रहे हैं तो अलग लेवल ले रहे हैं। तो जनरेशन बदलने का मतलब यही होता है, चीजें अपडेट और बेहतर। अगर पहले का फोटो दिखा रहे तो लोग को ही नहीं पसंद आएगा, वही बात है कि जैसे जैसे इतना ज्यादा जो पीसी आजकल आया है, लोग यूज कर रहे हैं, लोग पीसी को यूज कर रहे हैं, तो इनकी इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा इनका लोग पावरफुल तरीके से लोग यूज कर रहे हैं कि जो मिनी कंप्यूटर है उनका यूज क्या हो गया, और उनका लोग यूज ही नहीं। जैसे कि आप कई उसमें अकाउंटिंग पढ़ने वाले होंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे टैली पढ़ना पड़ेगा ना, तो टैली तो पहले ही करते थे हम, टैली यार भी ना, और अभी यूज कर रहे हैं टैली प्राइम। टैली प्राइम अपडेटेड वर्जन, तो क्यों टैली प्राइम आया, कारण क्या था कि पहले लोग टैली का यूज, टैली यार भी ना, टैली मार्केट में नए सॉफ्टवेयर से एंट्री मारी, इसका नाम बीजी, बीजी आया तो टैली का नाम उन्हें संग लगा दी थी, टैली को लगा कि हमारा मार्केट डाउन हो जाएगा, इसलिए क्या किया, खुद को अपडेट कर लिया, और बीजी की जैसे वो भी बन, इसलिए उसका मार्केट में डिमांड आ गया, अभी भी ज्यादातर लोग बीजी ही यूज कर रहे हैं। तो लेकिन कोई है नहीं, यह नहीं है बस, ठीक है वो नहीं है बस, इतना जाएगा ये टाइप ऑफ अपडेट से अपडेट से पढ़ा जाएगा आप लोगों को, टेंशन फ्री रहिए, इनका ये लैपटॉप का उनका पीसी भी होगा, काफी बार टैली होगा, ठीक है पढ़ाई की तारीख से। बस ऐसे ही बताना चाहता हूँ कि क्या मतलब होता है कि चीजें अपडेट होती रहती है, जब कोई एप्लीकेशन आता है तो आप देखते हो कि उसको अपडेट करना पड़ता है, गूगल पे कई लोग यूज करते होंगे, उसको भी अपडेट करना पड़ता है, कारण क्या होता है हर दिन एक नए फंक्शन इंप्लीमेंट किया जाता है, उसी की उसके से कोई एप्लीकेशन का 20 से 25 MB का, लेकिन तो भी जाके इसको स्टेरोस पे चेक करेगा लगभग 100 ऊपर जाना जाता था, 80 MB, 90, 100, 112 MB इतना हो जाता है, कभी देखिएगा किसी एप्लीकेशन को टच करेगा ऐप इनको भी टच करेगा, और हमारे लाइफ में आपका आता है ऐप इनको का, ऐप इनको जाके स्टोरेज पे चेक करिए, देखिए कितना स्टोरेज लेता है, और जैसे ही स्टोरेज क्लियर करते हैं दोबारा से लॉगिन मांगता है, ये सारी चीजें होती है, क्योंकि कई चीजें फोन में हम भले से एप्लीकेशन इंस्टॉल किए और तुरंत डिलीट करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उस जगह बना लेता है हमारे सिस्टम, ये सब बातें रहती है, ठीक है दिमाग में रखिएगा। हाँ और सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है, माइक्रो होता है, उसके बारे में कुछ डाटा नहीं है, लेकिन बस सीधा जाने की सबसे छोटा जो होता है वो क्या है, माइक्रो होता है, बस ये याद रखना है आपको कि टाइप का कंप्यूटर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या पूछेंगे, किस बेसिस पे जाना है आपको। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे टेक्नोलॉजी के बेस पे जाना है तो क्या बताएंगे आप लोग, कितने होते हैं टेक्नोलॉजी के बेस पे, तीन होते हैं, कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग से कहते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, जो मतलब भौतिक मात्राओं की गणना करे। अच्छा डिजिटल किसे बोलते हैं, जो चीज को मेजरमेंट करे मतलब कि अंकों की गणना करे, और हाइब्रिड जो एनालॉग और दोनों का काम करे, एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम नहीं बोलना, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर, उससे छोटा और सबसे छोटा माइक्रो। अच्छा सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है, सेमर क्रे। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत का नहीं नॉर्मल साइबर क्रे, किस ईयर में, 1979 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना। अच्छा पर्पज की बेस पे कितने कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से, जनरल स्पेशल, स्पेशल कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, एग्जाम्पल को देंगे, कृषि विज्ञान में हो गया, अनुसंधान में हो गया, यातायात में हो गया, ट्रांसपोर्टेशन जो भी है ये सारी चीजें, ठीक है वेरी गुड। तो आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो गया, अब हम कल से स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइस, क्या स्टार्ट करेंगे, मतलब अब तक जो नॉर्मल तरीका बता रहा था कल से हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। बाकी तो लोग समझ ही गए होंगे कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, बताया गया था ना, कोई दिखने ना दिखने वाली बात दिमाग रखे, लेकिन सिर्फ रखने तक ही ये बताता नहीं है, कल से हम जो डेफिनेशन बताएंगे वो बता के आप लोगों को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, ओके। और आपको मैं बोला था ना मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, और ये बात आपको बताई हुई, ठीक है आज क्लास में इतना ही कर दे रहा है।
लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, सब कुछ अवेलेबल है, इसी टाइम बताया।